हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा करेंगे। कब है पापन कुशा एकादशी व्रत? एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है? प्रदोष व्रत कब का करेंगे? कार्तिक स्नान कब से शुरू है? शरद पूर्णिमा कब की है? पूर्णिमा व्रत कब करेंगे? करवा चौथ और अहोई अष्टमी व्रत कब का है? राधा कुंड में जो अष्टमी स्नान होता है उसका शुभ मुहूर्त कब का है? इन सभी विषयों की पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पापन कुशा एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त और पारण समय। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं पापन कुशा एकादशी व्रत की। शास्त्रों में इस एकादशी का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा है कि ये एकादशी पापों पर अंकुश यानी रोक लगाने वाली महाफलकारी एकादशी है। किसी भी व्रत पूजा का पूरा फल हमें तब मिलता है जब उसे पूरे विधि विधान के साथ किया जाए। पापन कुशा एकादशी का महत्व और पूजा विधि अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आपको इस महाफलकारी एकादशी का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय बताती हूँ। इस साल 2021 में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापन कुशा एकादशी का व्रत 16 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को रखा जाएगा। अब सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अक्टूबर को 18:02 बजे मतलब शाम को 6:02 PM पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 अक्टूबर को 17:37 बजे मतलब शाम को 5:37 PM पर। इस तरह सूर्योदय में शुभ संयोगों के साथ एकादशी व्रत का पालन 16 अक्टूबर को किया जाएगा। सभी धार्मिक स्थलों और संप्रदायों में भी एकादशी व्रत का पालन 16 अक्टूबर को ही होगा। 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पूरी तरह से विजयदशमी मनाई जाएगी। रावण दहन भी इसी दिन का होता है। 15 अक्टूबर को दशमी के नियमों का पालन करते हुए 16 अक्टूबर को एकादशी व्रत पूजा करेंगे। अपने एकादशी व्रत का पारण हम अगले दिन 17 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह स्नान ध्यान पूजा करने के बाद 6:23 AM से 10:12 AM के बीच करेंगे। कई जगह ये समय 6:23 AM से 8:40 AM के बीच का बताया जाता है जो कि सही है। पारण समय धर्म सिंधु में अलग गणना से होता है और वैष्णव या गौरिया संप्रदाय में अलग तरीके से, इसलिए ये समय का भेद आता है। हम वैष्णव होने के कारण पारण 6:23 AM से 10:12 AM के बीच करेंगे। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वो है शाम को 5:39 PM। अब अपने अगली वीडियो में आपको पापन कुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। इस कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। एकादशी का जो दिन होता है वो इतना महान और पुण्यदायी होता है कि इस दिन करी हुई पूजा हमें अनंत फल देने की क्षमता रखती है। पूजा के बाद एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। एकादशी से संबंधित सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करें। कार्तिक स्नान, देखो कार्तिक का महत्व सबको पता है। कार्तिक बहुत ज्यादा फलकारी, जल्दी मुक्ति भुक्ति देने वाला अति प्रिय मास। कार्तिक महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। इस महीने में किए गए स्नान दान पूजा आदि का फल हमें कई लाख गुना होकर मिलता है। शास्त्रों में कार्तिक स्नान को शुरू करने के अलग अलग नियम बताए गए हैं। कई लोग कार्तिक स्नान अश्विन मास की एकादशी से शुरू करते हैं और कई जगह ये स्नान कार्तिक पूर्णिमा से शुरू किया जाता है। ये दोनों ही सही है। जो अश्विन एकादशी से कार्तिक स्नान शुरू करते हैं
वो कार्तिक एकादशी पर, मतलब जब देव उठनी एकादशी होती है तब अपने कार्तिक व्रत का पारण कर देते हैं। और जो लोग शरद पूर्णिमा या अश्विन पूर्णिमा पर कार्तिक स्नान शुरू करते हैं वो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन अपने व्रत का पारण करते हैं। हम पर्सनली कार्तिक स्नान अश्विन पूर्णिमा से शुरू करते हैं, यानी इस साल 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक कार्तिक स्नान होगा हमारे हिसाब से। आपको कार्तिक का महत्तम और कार्तिक की कहानियां भी सुनाएंगे, हमारे चैनल के साथ बने रहें। कार्तिक मास में कार्तिक महत्तम सुनने का बहुत अधिक फल होता है, इसलिए नियम से कार्तिक महत्तम जरूर सुने। प्रदोष व्रत 17 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को रवि प्रदोष व्रत है। जो लोग एकादशी और प्रदोष दोनों व्रत करते हैं वो 17 अक्टूबर को सुबह सबसे पहले अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे, फिर अपने प्रदोष व्रत का संकल्प लेंगे। याद रखना, एकादशी व्रत का पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। जब भी हमारे दो व्रत हो तो अपने व्रत का पारण कैसे करें, इस विषय पर हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार प्लीज जरूर देखें, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पूर्णिमा व्रत, अब हम अश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा की चर्चा करते हैं। 19 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार को अश्विन पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। अच्छा, याद रखना 19 अक्टूबर की चतुर्दशी है, इसलिए इस दिन वराह चतुर्दशी की व्रत पूजा भी की जाएगी। इस तिथि को भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करने का विधान है। वराह चतुर्दशी का व्रत पूजा करने से हमें सभी तरह के भूत प्रेत आदि बाधाओं से मुक्ति मिलती है, उनका नाश हो जाता है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा महोत्सव और कार्तिक स्नान जो है वो 20 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार से शुरू होगा। अब ऐसा क्यों, इसके लिए मैं आपको पूर्णिमा तिथि का समय बता देती हूँ। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अक्टूबर को 19:03। पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 20 अक्टूबर को 20:26। इस तरह 14 में हम अपना पूर्णिमा व्रत करेंगे और जब सूर्य उदय में पूर्णिमा होगी उस दिन हम शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाएंगे। सत्यनारायण व्रत पूजा कथा 20 अक्टूबर को ही करी जाएगी। 20 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती भी है। अच्छा, इसके अलावा ये बताओ, याद है ना शरद पूर्णिमा पर ही रास पूर्णिमा होती है। हमारे प्यारे बांके बिहारी जी साल में सिर्फ इसी दिन बांसुरी धारण करते हैं। करवा चौथ व्रत, करवा चौथ व्रत महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है। ये व्रत सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। करवा चौथ व्रत और वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी इस साल 2021 में 24 अक्टूबर दिन रविवार की है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 अक्टूबर 2021 को सुबह 3:01 AM पर और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 25 अक्टूबर 2021 को सुबह 5:43 AM पर। इस तरह बहुत शुभ संयोगों से 24 अक्टूबर को पूरे दिन की चतुर्थी तिथि है। संकष्टी के दिन चंद्रोदय 20:07 मतलब रात को 8:07 PM पर होगा। करवा चौथ पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:43 PM से 6:59 PM के बीच का है। बहुत ही शुभ समय है, इस समय में पूजा कीजिएगा, ज्यादा अधिक उत्तम फल मिलेगा। इस साल यानी 2021 में एक शुभ और विशिष्ट संयोग करवा चौथ के दिन बन रहा है। इस बार करवा चौथ का चांद रोहिणी नक्षत्र में निकलेगा। मान्यता के अनुसार इस नक्षत्र में व्रत रखना बहुत ज्यादा फलकारी होता है। अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं बच्चों के लिए रखती हैं। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष के अष्टमी को किया जाता है। ये व्रत करवा चौथ से 4 दिन बाद और दिवाली से 6 दिन पहले आता है। इस दिन मध्य रात्रि को राधा कुंड और कृष्ण कुंड में संतान प्राप्ति के लिए स्नान भी किया जाता है। अगर आपको इस विषय में नहीं पता तो इस विषय पर हमारी एक डिटेल वीडियो है, उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है।
इस साल 2021 में अहोई व्रत 28 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:39 PM से 6:56 PM के बीच का है। बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इस समय में पूजा कीजिएगा। अष्टमी तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है 28 अक्टूबर 2021 को दिन में 12:49 PM पर, और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 29 अक्टूबर को दिन में 2:09 PM पर। इस तरह अहोई व्रत जिसमें तारों की पूजा का महत्व है वो हमें 28 अक्टूबर को करना है। हर साल अहोई अष्टमी पर गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान का विशेष महत्व होता है, स्पेशली उन कपल्स के लिए जिनकी संतान नहीं है। उनके लिए स्नान जो होता है वो वरदान से कम नहीं होता। जिन लोगों को गर्भ धारण करने में समस्या आती है वो इस दिन राधा कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राधा कुंड में डुबकी जरूर लगाते हैं। राधा कुंड जो स्नान है उसका विशेष मुहूर्त होता है, उसका मैं समय आपको बता देती हूँ। राधा कुंड अर्ध रात्रि स्नान का जो मुहूर्त है 28 अक्टूबर 2021 की रात को 23:38 बजे से 24:29 बजे तक के बीच का है। इस समय में स्नान कीजिएगा और देखिएगा कान्हा जी और राधा रानी की इच्छा से आपकी जो मन इच्छा है वो जल्दी पूरी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप आने वाले त्योहारों की जानकारी अपने फोन पर पाना चाहते हो तो हमें एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।